नवरात्रि में यह चार गलतियां मत करना, इसके बारे में बातचीत करने वाले मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, देवी का व्रत रहता है, उसमें चप्पल नहीं पहनना, खाना नहीं खाना, उपवास करना, सिर्फ फ्रूट्स खाना, जो भी कुछ करते रहते अपने अपने तरीके से लोग, और देवी के प्रति श्रद्धा जताते हैं। वो तो करो जो आपको करना है वो, मगर कोई चार प्रैक्टिकल बातें मैं बताने वाला हूँ, वो आप करना ही चाहिए, आपने करना ही चाहिए। वो कौन सी है? नंबर एक, बुरा मत सोचो, कोई भी बुरा चिंतन मत करो, किसी के बारे में चिंतन करो मत, बुराई का किसी के बारे में बुरा सोचो मत और बुरा बोलो मत। तो बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है, ये नंबर एक। नंबर दो, आपके काम के प्रति बहुत ही प्रामाणिकता और निष्ठा रखो, बहुत ही प्रामाणिकता से एकदम निष्ठा है काम के प्रति, और जो भी काम करते हैं वो पूरा काम आप करते हैं, एकदम निष्ठापूर्वक काम करते हैं। लोगों ने बोलना चाहिए कि भाई काम करते तो वाह, ऐसा काम होना चाहिए, इस तरह का क्वालिटी वर्क। नंबर तीन, आपके काम में सच्चाई रखो, जो भी आप बिजनेस करते हैं एकदम सच्चाई है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शकता है, जैसी कांच देते हैं हम उधर का देख सकते हैं, पारदर्शकता है, कोई लपा छिपी नहीं है, सब जो है वो खुला है, पारदर्शकता सच्चाई वो रखो। और चार, गलत आदतें छोड़ो। रावण दहन करते हैं हम दशहरे के दिन, अभी दशहरे के दिन आप अपने गलत आदतों का दहन करना है। गलत आदतें कौन सी हो सकती है? एक तो गुस्सा करने की आदत है, सिगरेट, शराब, तंबाकू, काम की टालम टोल करना, काम आगे ढकेलना, मोबाइल एडिक्शन, पॉन एडिक्शन, टीवी एडिक्शन, खेलने का मतलब पढ़ाई नहीं करना, खेलने का एडिक्शन, ऐसा कोई भी हो सकता है कि जो आपको लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, तो वो आदत का दहन करो। तो ये चार आपने बिल्कुल करना है ये नवरात्रि में, और डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक आमूलाग्र परिवर्तन हो जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।